इस वक्त हम एक खूबसूरत वादियों में हैं। ये परी महल गार्डन है, आप मेरे पीछे का नज़ारा भी देख सकते हैं, एक अलग ही व्यू यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। मैं गुजारिश करूँगा हमारे दोस्त से कि ये पूरा कैमरा जो है राइट तरफ से घुमाए और ये पूरा विजुअल दिखाए और इस तरफ घूमते हुए वापस आए और इस बाजू में जो गार्डन बना हुआ है ये खूबसूरत और बेहतरीन गार्डन है। इस गार्डन में 80 के दशक से लेकर आज तक बॉलीवुड की कई फिल्मों के गाने यहाँ फिल्माए गए हैं। मैं बात बता दूँ आपको कि सरगम पिक्चर बहुत प्रसिद्ध सुपरहिट पिक्चर थी जिसके गाने यहाँ पर फिल्माए गए थे और बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो आज भी यहाँ रिकॉर्ड होती है। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको कश्मीर की बहुत सी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको देखने में अच्छी लगेगी। इस वक्त हम शाही चश्मा पे आए हुए हैं। यहाँ के पानी की जो खासियत है, हमारे साथ दिल्ली से आई हुई हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, हम इनसे जानते हैं कि शाही चश्मे की क्या खासियत है। ये बहुत ही अच्छा पानी है, जो भी इस पानी को पीता है उसका खाना पीना जो भी चीज खाता है सब कुछ वो डाइजेस्ट कर देता है। और सुनने में आया है कि मिसेज इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का पानी भी यहीं से जाता था और इसकी बहुत मान्यता पानी की कि नेचुरल है और ये नेचुरली आता है और सर्दियों में ये पानी गर्म होता है और गर्मियों में पानी ठंडा होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कि इस चश्मे के पानी की ये खासियत है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए भी ये पानी पीने के लिए दिया जाता था और ये पानी ठंडी के मौसम में ठंडा और गर्मी के मौसम में गर्म पाया जाता है। इसी तरह हम और आगे की जानकारी लेते रहेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज। मुगल गार्डन में है ये, कई एकड़ों में बना हुआ यहाँ का सबसे बड़ा गार्डन है। इस गार्डन का नाम ही मुगल गार्डन इसको कहा जाता है। मुगलों के दौर में इस गार्डन को बनाया गया था और ये गार्डन इतना खूबसूरत है कि यहाँ के लोग इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ठीक इसी के साथ हम भी इस मुगल गार्डन में आज आए हुए हैं और इस मुगल गार्डन की खूबसूरती को हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे की भी हम खबर आज आपको दिखाएंगे और इसको पूरी करेंगे।